क्या धमकी में उन्होंने क्या कहा? धमकी में उन्होंने जान से मार देने को बोला है। जान से मार देने को कह दिया है? हाँ। किसको मार देंगे जान से? हमारे हमको और हमारे पत्रकार जो पत्रकार आए थे उनको और आपको। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने मांगी पानी की व्यवस्था, कहाँ जाएं, कैसे हो हमारा गुजारा। समाचार पत्रों में समाचार देने व टीवी चैनल वेब पोर्टल में समाचार चलवाने के बाद मिल रही है ग्रामीणों व पत्रकारों को जान से मारने की धमकियां। आखिर कब तक होता रहेगा इन दबंगों के द्वारा गरीबों का शोषण? सोचने वाली बात है, क्या पत्रकार भी अब होंगे दबंगों के अधीन? उनकी कलम पर लगेगी लगाम? अब देखना है कि शासन प्रशासन दबंगों के ऊपर करता है कार्रवाई या ऐसे ही पत्रकारों व ग्रामीणों को मिलती रहेगी धमकियां। आखिरकार कलम को बंद कर बैठना पड़ेगा पत्रकारों को, क्योंकि अब जान से मारने व फर्जी साजिशों में फंसाने की हो रही है चाल। क्या नाम माता जी, अपना नाम बताएं? हमारा सावित्री देवी। तो ये बताएं, जो पेयजल का संकट है आपके मोहल्ले में, जिसमें कि आपने नल की मांग की थी, शासकीय नल की। हाँ, हम नल की मांग की थी, जब तुमको बुलाया नल की मांग किया जी, हम ठकवाया तो हमको जो है अब इसमें धमकी दिए जा रहे हैं। क्या धमकियाँ मिल रही? धमकी ये दिए जा रहे हैं कि आप जो है अगर नल को तुम कहोगे या किसी चीज को कहोगे तो तुमको भी मारेंगे, तुम डंडा अभी नहीं पाए हो, और जो पत्रकार हैं उनको भी बताएंगे हम, उनको भी जो करना होगा हमारा करेंगे। नहीं तो मतलब क्या कह रहे हैं वो लोग? पत्रकारों को फंसाएंगे हम, झूठी जो खबर उजागर करेगा उसको फंसा देंगे। हाँ, हाँ, तो आपको कितने समय से पेयजल संकट है यहाँ पर? हमें ये संकट है कि हमारे नल नहीं है, हमको पानी की बहुत तकलीफ है जी। और हमको मतलब कुछ दें चाहे ना दें, कम से कम हमको पानी तो दें पीने को। कुछ ही दूर जाते हैं, हमारे 4-5 घर में 40 मवेशी हैं, तो हम तो अगर पानी पी लेंगे, लेकिन 40 मवेशी को हम कैसे पियाएंगे? हम ये बोल रहे हैं, हम तो आज DM के लगे तैयार रहे हैं कि DM हमें आदेश दे कि हम अगर पानी नहीं पा रहे हैं, नल हमारे नहीं लग रहा है, तो हम अपना गोरु सब ढील रहे हैं जी। अब फिर हम कहीं बांधें कि नहीं जी। हमको कोई न प्रधान कहेगा, न हमें DM कहेगा, न इस DM कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि हम गोरु बांध गए, हम पानी न पाए तो क्या करें। तो काफी लंबे समय से आपको दर्शन? हाँ, हमको बहुत समस्या है पानी के लिए, हमको बहुत समस्या है। हम सोचते हैं कि तत्काल हमको नल चाहिए, तत्काल नल की तत्काल हमको नल चाहिए, तत्काल हमें। तो ये बताएं जाए, जो धमकियां मिली है किस दिन मिली थी? 2 तारीख को। 2 तारीख को? हाँ, 2 तारीख को। उसमें कहा गया कि आपको डंडे बजेंगे। हाँ, पत्रकारों को डंडा नहीं पाएंगे तो पेपर में टीवी में, और पत्रकारों को भी हम उनको फंसाएंगे तो फिर पता चलेगा, उनको भी पता चलेगा। क्या नाम भाई आपका? संतोष। संतोष जी, क्या मामला है, कैसे, क्या मामला है, थोड़ा प्रकाश करें। हमको मामला है पानी का कष्ट जी। एक हैंड पंप है वो दूर पड़ रहा है, और 40 मवेशी आदमी का कोई बसर नहीं है, बड़ा भक्त भाव है। खाली आदमी को हो तो हमारा चल जाता, इसलिए तो हम परेशान हैं। ना हमको पाइपलाइन मिल रही है, ना हैंड पंप मिल रहा, तो हम मवेशी का कैसे करें? तो जो हम कुछ करते हैं, पेपरबाजी या बुला करके टीवी निकलवाते हैं, दरखास्त देते हैं, 3 साल से लगातार दिल्ली और लखनऊ तक ने हमने नल की मांग कर डाया, प्रधानमंत्री नई दिल्ली तक जी, और आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं है। कहीं उल्टा सीधा नाप के चले जाते हैं, कहीं कहते हैं कि 125 मीटर है, कहीं कहते हैं 200 मीटर है। और ये मेयर की और हमारे भतीज से धमकी दिया आकर के कुछ लोग कि नहीं मानोगे तो पुलिस को बुला कर 4-4 डंडा लगवा के तो उचित तुम्हारी सब आनंद हो जाएगी। किसको किसको धमकी दिए हैं? 5 घर, 4-5 घर को हम। अच्छा, ये माता जी तो बता रही पत्रकारों को भी धमकी देकर गए? हाँ, पत्रकारों को कि जो ऐसा काम करेंगे, करवाओगे, सबको फंसा देंगे और पुलिस का डंडा बजवाएंगे रिपोर्ट में। मैं आपका जी गौरी शंकर। क्या तकलीफ है आपका, दिक्कत है? साहब, हमें पानी के सबसे भारी समस्या है। अच्छा अच्छा जी, पानी जो है, पानी का बहुत लंबी दिक्कत ही, ना मलेशिन का ना अपने का, बड़ा समय लागत है, और नल महानी जौन है कोई वह नहीं होता, या गोरु मुन्ना भैया हैं चकुआ के, तो बिचारे का तो आवत ही का तो नहीं आता है, उनके बोर से भर लाई थी, मान सिंह बाबा के बोर से ही पिया लाई थी। नहीं तो क्या कुछ आपको, हमने क्या कुछ समस्या आपको अभी 2-3 दिन में क्या समस्या हुई है? अरे समस्या यह होती साहब, जो 2-3 लोग आए रहे नापे वापे, तो कह रहे हैं कि जो है 200 किलोमीटर बताओ थे, तो कितना बताओ थे साहब, ये 2-3 किलोमीटर ऊपर नहीं जाए दिया
कुल मिला के ही कि कितना दूरी है, अदूरी से तो हम लौटे आए हैं जी। तो कहते तुम्हारा जब ना बहुत खराब बोलते हो, इतना दूर थोड़ो है ना। नहीं सर, पुलिस वाले का कह रहे हैं कि पुलिस वाले से चार चार डंडे बेड़ना दवा। नाम है आपका? बालक। क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं बाबू जी, हमें पानी का है जी। तो पानी का हम का जाए थी तो हमारा आदमी ने आप जो कर से कहते 1.5 किलोमीटर तुम बताए रहे हो। हाँ। और ये नल तुम्हारे मुहारे में है। कहाँ मुहारे में है, दिखा रहा है कहीं? दिख रहा है। तुम लोग एक बार का FIR हो 3 लोगों का, आओ तब उल्टा फंसा हो जाए तो तुमको जानकारी होगी कि 3 किलोमीटर है कि 1.5 किलोमीटर। हाँ आगे क्या क्या कह रहे हैं? जिन पत्रकारों को हम बुलाए रहे बाबूजी उनका तक धमकी दे दे, हम दे दे कि अप्लीकेशन दे गए और FIR करेगी तुम लोगों के नाम, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ मार दे कि धमकी दे दे, कहते कि मारेंगे। तो ये कब की घटना है धमकी वाली? नहीं कई दिन हुए कि धमकी दिन? तीसरा दिन। माता जी आपका कहाँ नाम? पति का नाम? राम प्रताप। कहाँ के निवासी हैं? हम गया थे। तो क्या कुछ समस्या है माता जी आपका? हमका पानी तकलीफ थी। कई साल से आपका? हम गए हैं 4 साल से 10 साल से हमें। अच्छा कौन जगह रहा थो आप? हम डेरे में रहे थे अरखन के पुरवा। अरखन के पुरवा में? हाँ। तो अभी 2-3 दिन पहले क्या मामला हुआ है आपका? ये 2-3 है कि आए है देखे सुने है हमको मारे को धमकाए, हमको पानी नल नहीं लगना, हमको गोरु बछेरे पिए नहीं कंटा से अपने को तो भल लगे कंटा से मार गारी रह के हमारे गोरु बछेरे कहाँ पिया हुए। हमें पानी चाहिए, हमें पानी की तकलीफ है, हमें पानी चाहिए। हमें चाहे जहाँ से मिलना पानी के कैसे मर जाएगा। क्या नाम भाई आपका? संगम नाम। कहाँ के निवासी हैं? हंडिया से। क्या कुछ मैटर हुआ है? मैटर एक आया था कि नापने जोखने आए थे 2-3 लोग। काहे के लिए नापने आए थे? नल वाल के विषय में। तो नल वाल के विषय में आए थे तो वो लोग यहाँ आए थे तो कोई था कोई नहीं। हाँ। खेती किसानी में भीड़े थे। हाँ। तो लोग यहाँ आ करके नाप जोख करके और 2 जने उसको धमकी दिया। इसको धमकी दिया? बड़को चौकीदार। नाम जानते हो उनका जो धमकी दिए? नाम मैं अभी बोला। हाँ। तो उनको धमकी दिया। हाँ। और बेबी वाले को धमकी दिया और कहते सबको मारेंगे हम लोग, गुंडे हैं। अच्छा गुंडे हैं। कहाँ के निवासी हैं? क्या कुछ मैटर है, क्या प्रकरण? कारण यह कि हमको नल की समस्या। अच्छा अच्छा कई साल से समस्या चल रही है आपको? कम से कम 5-6 साल से। जी तो क्या हुआ था नल की समस्या में? हाँ हाँ तो क्या करेंगे हम, कैसे देंगे, कैसे बैल पिएगा, कैसे गाय पिएगा, कैसे छेरी बोकी, सब चीज़ का समस्या है यहाँ पर। अच्छा अच्छा तो क्या हुआ था, क्या बताना चाह रही हैं आप? बताना यह चाह रहे हैं कि हम सरकार से नल मांग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो जब सरकार के लिए हम वोट देंगे तो तैयार है तो हमारा नल नहीं दे सकते हैं पानी पीने के लिए? इतना बड़ा समस्या नहीं काट सकते हैं? हाँ हाँ तो ये बात है, हमें नल चाहिए। जब हम नल का समस्या को बताते हैं तो आदमी आते हैं धमकी देकर चले जाते हैं। क्या कहते हैं? या कहते हैं कि चूल हम नल नहीं लगेगा, जो कहना है चाहे नल लगवा लो, और मार भी देंगे और पुलिस को धमकी दे रहे हैं। अच्छा मारने पुलिस धमकी दे रहे हैं। और क्या कुछ और कुछ आगे उन्होंने कहा? और कहा कि जो को पदकार आएंगे उसको भी देखेंगे, सबको धमकी देकर चले गए हैं, नाप कर चले गए हैं, नाल का समस्या है, ये बोला कि यहाँ नहीं लगेगा। ठीक कहना है। क्या मामला है? मामला ये है कि क्या नाम से ये सर जो हम अभी निकलवाए थे अपने नल के लिए, उसमें वो प्रधान के 2 चमचे आए थे, वो हमको धमकी दे गए थे और हमारे पत्रकारों को धमकी दे रहे थे। क्या कह रहे थे? बोल रहे थे नल है ना यहाँ पे 150 किलोमीटर में है, यहाँ से 500 किलोमीटर में नल पड़ता है पूरा। तो क्या धमकी में उन्होंने क्या कहा? धमकी में उन्होंने जान से मार देने को बोला है। जान से मार देने को कह दिया? हाँ। किसको मार देंगे जान से? हमारे हमको और हमारे पत्रकारों को, जो पत्रकार आए थे उनको और आपको। हाँ। तो कब की घटना है धमकी वाली? 2 तारीख की है। 2 तारीख की घटना है। हाँ।